हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अन अकेडमी एसएससी जेईई। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग वैली कर्व को पढ़ने वाले हैं और कल तक हम लोग ने वैली कर्व के पहले के टॉपिक जो है हमारे हाईवे में उन्होंने कवर कर लिए हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। जल्दी से सारे बच्चों को सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सक्सेना, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। पहले जल्दी से कमेंट करिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, अगर मेरी आवाज आ रही हो आप लोग तक, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं ये सब मेरे बारे में है। मैंने गेट निकाला हुआ लगातार चार बार, मेरी बेस्ट गेट रैंक 55 है और 3 साल से ऊपर मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है गेट में और लगातार मैंने ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। और मेरा कोड है CS10, जिसको यूज करके आप सब लोग प्लस या अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ओके, आइकॉनिक का या प्लस का। और जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो क्रेडिट कार्ड EMI का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं घर बैठे बैठे, और मेरा कोड लगा सकते हैं CS10, जिससे उनको 10% का ऑफ मिलेगा और उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा, ओके। तो हम लोग ने यहाँ सिलेबस पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, सिलेबस हम लोग पढ़ते चल रहे थे। तो गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए आवाज मेरी अच्छे से आ रही है। सिलेबस हम लोग कवर कर रहे थे, ज्योमेट्री डिजाइन हमने पढ़ा था। ज्योमेट्री डिजाइन के अंदर काफी सारी बातें हम लोग ने कर ली थी। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजें हम लोग धीमे धीमे हम लोग समझते चलते हैं। एक क्विक रिविजन से चल रहा है, क्रैश कोर्स टाइप का चल रहा है, कोई रिविजन चल रहा है। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, बस सारे बेसिक फॉर्मुलेस, बेसिक आइडियाज कवर कर रहे हैं। पूरे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग बहुत कुछ कवर करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जी हाँ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी कहाँ होगी? सैटरडे संडे को होगी, स्पेशल क्लासेस में, कहाँ पे? अन अकेडमी की ऐप पे, ठीक है। तो ज्योमेट्री डिजाइन बच्चों उन्होंने पढ़ा था, जरा जल्दी से कमेंट करना आवाज आ रही है कि नहीं आप लोगों को मेरी अच्छे से। ऑल क्लियर, ठीक, बढ़िया। और हम लोग देखा था डेवलपमेंट का हाईवे का कंस्ट्रक्शन, रोड देखे थे, रोमन रोड चला की, फिर ट्रेसा गेट था, टेलफोर्ड, मैकेडम, फिर हमने सारे ईयर्स देखे थे, काफी सारी चीजें उन्होंने पढ़ी थी, है ना। तीनों रोड लाइन को मैंने कंपेयर किया था, नागपुर में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, काफी सारी बातें हुई थी, लखनऊ सबसे लेटेस्ट हमारा था, और हमने इंजीनियरिंग सर्विस का ऑर्डर पढ़ा था। मैप स्टडी सबसे पहले करते हैं, फिर रिकॉग्नाइजेंस करते हैं, फिर प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, फिर फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे करते हैं। रोड के पैटर्न देखे थे हम लोगों ने, फैक्टर्स देखे थे, आपको बताया था मैंने हाइट वेट लेंथ कितनी होती है, डिजाइन स्पीड क्या होती है, टोपोग्राफी कितनी होती है। और कल बेटा हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट खत्म करके हम लोग ने वर्टिकल अलाइनमेंट शुरू किया था, है ना। आई होप आप लोग को याद होगा। क्रॉस सेक्शन में तो हमने बहुत सारी चीजें, केम्बर, शोल्डर, विड्थ ऑफ कैरिज हुए, सब कुछ देखा था यहाँ पे, है ना। एक एक करके हम लोग ने सबका बेसिक रूल्स जो भी थे वो सब लोग ने पढ़े थे। रोड वेट फॉर्मेशन, कैरिज हुए, सब कुछ हम लोग ने जाना था। साइड डिस्टेंसेस कितनी होती है, क्या फॉर्मुलेज होते हैं, OSD क्या था हमारा, उसका फॉर्मुला क्या था, D1, D2, D3। ओवरटेकिंग जोन कितनी लंबी होती है, उसकी डिजायरेबल लेंथ कितनी होती है, उसकी मिनिमम लेंथ कितनी होती है, ये भी उन्होंने जाना था, ठीक है। फिर बेटा हम लोग ने डिजाइन ऑफ सुपरवाइजर पढ़ा था, मैंने किस तरह से हम लोग सुपरवाइजर को देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। केम्बर को उठाते चले जाते हैं या तो पेमेंट को घुमा देते हैं, या तो पेमेंट को रोटेट करते हैं सेंटर के अबाउट या तो आउटर एज के अबाउट, है ना, ये भी हमने बात की थी। तो बहुत अच्छे से हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी लाइन से। उसके बाद मैंने आप लोगों को रूलिंग रेडियस का फॉर्मूला बताया था, एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला बताया था, मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल वाला, आई होप आप लोग को याद है, ठीक है। आप लोग सुन पा रहे हैं, जल्दी सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्त, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फटाफट लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, ओके, ठीक है सर। एक्स्ट्रा वाइडनिंग का फॉर्मूला आपने बताया था, एनएल स्क्वायर अपॉन साइकोलॉजिकल क्या बताया था, B/9.5 एंड रूट आर, आर का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व। और मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल कर्व कि हॉरिजॉन्टल कर्व में मुझे कई सारे टॉपिक्स पढ़ने क्या क्या है, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में पहले खुद, उसके बाद ट्रांजिशन कर्व, सुपर एलिवेशन, ठीक है, सुपर एलिवेशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, देखो बहुत सारे फॉर्मूले कर्व उन्होंने देखे थे, मैंने आप लोग सब बताए थे अच्छे से, तीन तरीके से निकलता था। उसके बाद देखो क्या टॉपिक है, सेटबैक डिस्टेंस है, कर्व रेजिस्टेंस है। अच्छा जरा बच्चे कमेंट कर दो आप लोग, कर्व रेजिस्टेंस कब आती है, जब मेरी गाड़ी की ताकत अगले पहियों में हो कि पिछले पहियों में हो, कर्व रेजिस्टेंस कब आएगी, जब फ्रंट व्हील में पावर हो, रियर व्हील में पावर हो। अगर फ्रंट व्हील में पावर होगी बच्चों, तो फ्रंट व्हील जब घूमेगा तो पहले अगर टी फोर्स मिल रहा था तो अब भी टी फोर्स मिलेगा, फ्रंट व्हील में अगर पावर है तो फ्रंट व्हील घूमने से पावर में चेंज नहीं आता, रिजॉल्व नहीं करनी पड़ती पावर, मेरी बात समझ पा रहे हो। तो अगर हमारा फ्रंट व्हील में, अगर बेटा हमारा फ्रंट व्हील में क्या है, ठीक है, अगर हमारा फ्रंट व्हील में पावर है तो हमारी कर्व रेजिस्टेंस जीरो होगी। कमेंट करते चलो भाई, कमेंट करते चलो, एक सेकेंड, ठीक है। और कर्व रेजिस्टेंस आएगी कब, जब रियर व्हील में पावर होगी। रियर व्हील अभी भी सीधे देख रही है, आगे वाली व्हील घूम गई, रियर व्हील अभी भी सीधे देख रही है तो फोर्स भी लग रहा था और आगे वाली व्हील घूम चुकी है तो गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही, तो इस डायरेक्शन में टी कॉस अल्फा मिला था ना, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया और वो लॉस कितना है, T-T cos अल्फा है। चलो ये हम लोगों ने बात की थी, कर्व रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा था, ग्रेड कंपनसेशन पढ़ा था, वर्टिकल अलाइनमेंट पढ़ा था। मैंने आपको बताया था हम लोग जो
स्लोप देते हैं, चढ़ाई देते हैं, तो चढ़ाई जनरली हम लोग जो देते हैं, ग्रेडियंट जो देते हैं, वो हम लोग का रूलिंग होता है भाई। क्या होता है बेटा? रूलिंग है ना। कभी कभी मजबूरी फंस जाती है तो लिमिटिंग दे देते हैं, बता चुका हूं मैं, है ना। लिमिटिंग जनरली कब प्रोवाइड करते हैं? जब कटिंग फिलिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिमिटिंग प्रोवाइड करते हैं। और एक्सेप्शन कब देते हैं? जब एकदम ही अनअवॉइडेबल सिचुएशन आ जाए, जब बहुत प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाए और हम लोग नहीं कंट्रोल में है, तो हम लोग फिर क्या करते हैं? ज्यादा ढलान दे देते हैं, है ना। लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ बताना भूल गया था आप लोगों को, लिख देता हूँ यहाँ पे। मिनिमम ग्रेडियंट भी एक होता है, चार होता है मिनिमम ग्रेडियंट। मिनिमम ग्रेडियंट क्यों देते हैं? मिनिमम ग्रेडियंट क्यों देते हैं? ताकि ड्रेनेज अच्छे से हो सके, ड्रेनेज अच्छे से हो सके, ठीक है। एक और बढ़िया सा पॉइंट मैं लिख देता हूँ ग्रेडियंट के हिसाब से। ग्रेडियंट जल्दी जो दी जाती है वो ट्वाइस ऑफ केम्बर देते हैं। ग्रेडियंट जल्दी जो दी जाती है वो ट्वाइस ऑफ केम्बर दिया जाता है, ठीक है। केम्बर जितना है उसका डबल, ठीक है। पता है तुम लोग को? ये कमेंट करो, किसी को पता है क्या? ये आप लोग को पता था बच्चों? बताइए। ग्रेडियंट हम लोग जल्दी देते हैं ट्वाइस ऑफ केम्बर। अच्छा सर, आप देखो ये क्या आपने बता दिया, थोड़ा सा बता दीजिए ड्रेनेज वगैरह कैसे होता है, थोड़ा सा समझा भी दीजिए सर। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये जैसे मान लो मेरा रोड है सर, सब देख पा रहे हो? हाँ सर, रोड जा रही है, दिख रही है मुझे। अब तुमको पता है रोड इस तरह से बैंकिंग होती है ताकि कैम्बर होता है, ताकि पानी नीचे उतर के आ जाए, पानी नीचे उतर के आए। अब जब इधर पानी आ गया साइड में नालियों में, देखो रोड मेरी ऐसे थी, कर्व थी ऐसे, देख पा रहे हो? हाँ सर, ठीक है, दिख रही है, हाँ रोड दिख रही है सर। तो इस तरह से रोड पानी नीचे उतरा, उतरने के बाद पानी आगे जाएगा, तो आगे कैसे जाएगा? जब रोड में ऐसे ग्रेडियंट हो, रोड में ऐसे ग्रेडियंट हो यार, जब ग्रेडियंट नहीं होगा तो पानी आगे कैसे जाएगा? पानी वहां भरा रह जाएगा, है ना, ठीक है। इस तरह से आगे जाएंगे तो पहले ऐसे फिर ऐसे, पानी जाएगा आगे, पानी जाएगा आगे, यस और नो? यस और नो बताइए। तो हमारा जो ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट जो होता है वो केम्बर का डबल देते हैं ताकि पानी आगे भी जा सके, ताकि रोड में पानी लॉन्गिट्यूडनली फ्लो करे आगे, ओके। चलो भाई, चलो 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 आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेड कंपनसेशन का फॉर्मुला बताया था मैंने, 30+R/R, यस 75/R। और ग्रेड हम लोग कंपनसेट नहीं करते हैं 4% ज्यादा, ये भी हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं। फिर हम लोग ने इसका क्या शुरू किया बच्चों? सबमिट कर शुरू किया था। सबमिट कर क्या होता था हमारा? जैसे ऊपर से क्या हो, कमेंट करो, सबमिट कर में ऊपर क्या दिखता है बेटा? कॉन्वेक्स की कॉनकेव, कमेंट कर दो फटाफट। सबमिट कर में मुझे ऊपर क्या दिखाई देता है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव। और लेंथ मैंने निकाली थी, जब मुझे ओएसडी दिया होता है तो लेंथ मैं ऐसे निकालता हूं, जब मुझे ओएसडी दिया होता है तो लेंथ मैं ऐसे निकालता हूं, और जब मुझे एसएसडी दिया होता है तो लेंथ मैं ऐसे निकालता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला तो लगता है लेंथ ज्यादा हो, ये फॉर्मूला से जो लेंथ क्या हो बेटा? कम हो, है ना, ऐसी बात हुई निकल। अब हम लोग बात करते हैं आज वैली कर्व की। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और वैली कर्व की जरा चर्चा करते हैं, वैली कर्व की बात करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, सीधे सीधे एग्जाम में आएंगे। ट्रैफिक बोल लो, शुरू करेंगे बिल्कुल ट्रैफिक शुरू करेंगे, चिंता ना करो। ऊपर से बेटा ये आपका कैसा है? कॉन्वेक्स है। कैसा है? कॉन्वेक्स। और ये होता है कॉनकेव। कॉनकेव मतलब जिसमें तुम कुछ रख सको, वो कॉनकेव है, और जहां कुछ रखा ना जा सके वो है कॉन्वेक्स, ठीक है। ऊपर से क्या है ये मेरा? कॉन्वेक्स। ऊपर से बेटा क्या है? देखो याद करने का तरीका क्या है, बहुत इजी है, याद करने का तरीका बहुत आसान है। जिसमें ऊपर कुछ ना आ सके वो क्या है मेरा? कॉन्वेक्स। और जब ऊपर आप रख सको कुछ ना कुछ, केव सी बन जाए, रखने लायक जगह बन जाए, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग सबमिट कर समझ गए, वैली कर्व बताइए क्या होता है, वैली कर्व क्या होता है, ठीक है। वैली कर्व के बात करते हैं, वैली कर्व की हम लोग बात करते हैं, वैली कर्व की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बात और, सबमिट कर्व का शेप क्या होना चाहिए? हाँ, सबमिट कर्व का शेप ये बताना मैं भूल गया हूँ आप लोग को। सबमिट कर्व का बेटा शेप क्या होता है हमारा? पैराबोला। पैराबोला बढ़िया रहता है, पैराबोला। सुप्रतीक इज आस्किंग कि कब खत्म होगा? आज हो जाएगा बेटा, खत्म होने वाला है, बस आज ट्रैफिक भी शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखो हेडिंग ऊपर ट्रैफिक ही पड़ी हुई है, लेकिन स्लाइड खत्म हो गई थी, तो देखो हम लोग ने अभी। चलिए नो प्रॉब्लम सर, वैली शुरू करते हैं। तो वैली में क्या होता है? कॉन्वेक्सिटी नीचे होती है, जैसे वहां पे कॉन्वेक्सिटी ऊपर थी, वैली में कॉन्वेक्सिटी नीचे है। और ये सैग कर्व भी कहलाते हैं, इसको मैं सैग कर्व भी कहता हूँ सर, इसको मैं सैग कर्व भी कहता हूँ। कैसे दिखाई देते हैं ये? ऐसे होते हैं, मान लो एक क्रॉस फ्लो नीचे जा रही है, इधर मान लो ऊपर जा रही है, तो तुम इनको जोड़ दोगे बेटा, इनको जोड़ दोगे, और इस प्रकार से तुम्हारा बन जाएगा क्या? इस प्रकार से क्या बन जाएगा तुम्हारा? सैग कर्व, सैग कर्व बन जाएगा। आसान है, इजी और नॉट? बेहद इजी है, इसमें कुछ भी खास नहीं है जो बहुत कठिन है यहाँ पे, ठीक है, समझ सकते हो। वैली सैग। अब बात करते हैं, मान लो इधर की स्लोप कितनी थी सर? इधर की स्लोप कितनी थी? 1 n1 थी मान लो। यहाँ वाली स्लोप कितनी थी? n1। ये नेगेटिव में है ना,
और ये कैसी है, पॉजिटिव में। तो कैपिटल एन तो निकाल ही लोगे, चेंज सीधे सीधे चेंज निकालना होता है, n1 माइनस n2। n1 नेगेटिव है तो नेगेटिव रख देना, बस सीधे सीधे चेंज आ जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं, एब्सोल्यूट में देखा जाता है बस, ठीक है। चलिए नो प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करते हैं लेंथ कैसे निकालते हैं। देखो इसका जो डिजाइन क्राइटेरिया है उसमें मुझे दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। डिजाइन क्राइटेरिया बेटा हमको दो तीन बातों का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पानी ना भर जाए। सर यहाँ पानी ना भर जाए कहीं, बदलाव यहाँ पानी यहाँ पे बदल वाटर पार्क बन गया है, अब गाड़ी लेके जा रहे हैं पानी भरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जल्दी नीचे के समय पानी भर जाता है यहाँ। तो देखो डिजाइन क्राइटेरिया हमको दो तीन चीज देखनी पड़ती है कि एक तो बहुत तेजी से आप नीचे ना चले जाए, पता लगे एकदम झूला बन गया, ये एकदम झूला बन गया पता चला, तो हमें कंफर्ट क्राइटेरिया देखना पड़ता है, कंफर्ट क्राइटेरिया देखना पड़ता है भाई, ठीक है, समझते चलना समझते चलना, कंफर्ट क्राइटेरिया। दूसरा दूसरा हमको हेडलाइट क्राइटेरिया देखना पड़ता है, दूसरा हमको हेडलाइट क्राइटेरिया होता क्या है, मान लो जैसे गाड़ी आ रही है, मान लो जैसे गाड़ी आ रही है, ठीक है, मान लो ये कर्व थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, तो ये जो बीम आपकी है जिससे गाड़ी की लाइट निकलती है, मान लो बीम एंगल ऐसे जा रहा है, तो जहां तक तुम्हारी लाइट जा रही है, मान लो इतने एरिया में लाइट पड़ रही है, गाड़ी की लाइट इतने एरिया पड़ रही है, तो तुम इतना एरिया देख पाओगे, इतना एरिया देख पाओगे, इसके ऊपर कहते तुम्हें दिखाई देगा, वहां ब्लैक रहेगा, रात में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, रात में आपको यहाँ की रोड नहीं दिखाई देगी, सिर्फ जितने में लाइट पड़ रही है बस उतने तो दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो बीम एंगल होता है इसको हम लोग 1 डिग्री मानते हैं, बीम एंगल को 1 डिग्री मानते हैं, और लेंथ निकालते हैं कि ट्रांजिशन कर्व कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है, वैली कर्व की लेंथ निकालते हैं, ठीक। तो हमें दो क्राइटेरिया देखने हैं, एक तो कंफर्ट क्राइटेरिया और दूसरा हेडलाइट, हेडलाइट का क्राइटेरिया, दूसरा क्या, हेडलाइट का क्राइटेरिया। तो देखो अगर हम लोग कंफर्ट क्राइटेरिया की बात करें, यहाँ लिख देते हैं हेडलाइट क्राइटेरिया और दूसरा हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया, या सेफ्टी बोल दो, क्योंकि दिखेगा नहीं तो मरोगे, दिखेगा नहीं तो मर जाओगे भाई, सीधी बात है। पता चला यहाँ पे गाड़ी चल रही है, सर यहाँ गाड़ी चल रही है और यहाँ पे एक आत्मा खड़ी हुई है, यहाँ एक आत्मा घूम रही है, हमारी लाइट ही नहीं पड़ रही आत्मा, हमारी लाइट सिर्फ यहाँ तक पड़ रही है बस, तो बताओ तुमको आत्मा दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। और जैसे ही आगे जाओगे आत्मा जब दिखाई देगी तो बताओ डर के हमारे हार्ट अटैक आ जाएगी कि नहीं। इसको मैं बोलता हूँ सेफ्टी क्राइटेरिया, है कि नहीं, एकदम शानदार तरीके से बता दिया मैंने आपको सेफ्टी क्राइटेरिया, और ब्रैकेट में लिखेंगे हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट साइड डिस्टेंस। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों ही क्राइटेरिया के हिसाब से, सर मुझे बता दीजिए आप कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं जरा लेंथ की, लेंथ की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे दोनों के हिसाब से। देखो दोनों के हिसाब से बात करेंगे, बड़ी होशियारी से हम लोग चलते चलेंगे, वैली में गिर जाएंगे, रोड बन गई है, जब रोड बन जाएगी तब क्यों गिरोगे भाई, रोड बन जाएगी तब क्यों गिरोगे, है ना। यहाँ बात करते हैं सर कंफर्ट क्राइटेरिया के, पहले कंफर्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ बात करते हैं सर सेफ्टी क्राइटेरिया की, अगर तुम लोग को लेंथ पता है तो बताते चलो, सेफ्टी क्राइटेरिया की लेंथ पता है तो बताते चलो फटाफट। देखो कंफर्ट क्राइटेरिया में जो लेंथ का फॉर्मूला होता है, शायद तुमने पढ़ा हो, शायद गौर किया हो तुमने कभी, लेंथ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ट्वाइस अंडर रूट एन वी क्यूब बाय सी। वेरी गुड, सही सोचा तुमने, सही सोचा, ठीक है, जिसमें सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू क्या होती है इसमें, सी का मतलब क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, बस सी की वैल्यू 0.6 से कम रहनी चाहिए, है ना, क्योंकि ज्यादा होगी तो बहुत तेजी से नीचे जाओगे एकदम और डर जाओगे, ठीक है, बहुत तेज, इतना तेज नहीं जाना नीचे, ठीक है। सी की वैल्यू 0.6 मीटर पर मीटर क्यूब पर सेकंड से क्यूब से कम रहनी चाहिए। एन तो निकाल लोगे, देखो एन यहाँ लिखा है, एन निकाल लोगे, n1 माइनस n2 का मॉड, सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल। सेफ्टी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सेफ्टी क्राइटेरिया की बात करते हैं, सर इसमें भी दो पॉइंट होते हैं सर हमारे, इसमें भी हमारे दो पॉइंट हैं, इसमें दो पॉइंट हैं, क्या है दो पॉइंट, या तो लेंथ हमारी SSD से ज्यादा होगी या लेंथ हमारी SSD से कम होगी। अगर बेटा लेंथ आपकी SSD से ज्यादा है, लेंथ अगर SSD से ज्यादा है, ठीक है, या तो ये केस बन सकता है, और या तो लेंथ हमारी SSD से, या तो लेंथ हमारी SSD से कम हो सकती है, या तो ये केस बन सकता है, ठीक है, दो हैं केस सर। अब देखो लेंथ अगर तुम्हारा SSD से ज्यादा है तो बेटा क्या आंसर फॉर्मूला होगा लेंथ का, तो लेंथ का फॉर्मूला होता है NS2, S का मतलब क्या है SSD, S का मतलब क्या है SSD अपॉन अपॉन 1.5 अपॉन 1.5 प्लस प्लस 0.035 S, ये हो गया फॉर्मूला। और अगर मान लो लेंथ कम पड़ गई, लेंथ कम पड़ गई तो फॉर्मूला होता है 2S माइनस 1.5 प्लस 0.035। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जल्दी जल्दी अपने मन में रिवाइज करो उसको, बोलो जल्दी फॉर्मूला बोलो भाई, NS2 अपॉन, कमेंट करो, कमेंट चाहिए मुझे, कमेंट कमेंट करो प्यारे बच्चों फटाफट,
ये याद करो, ये वाला याद करो, एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 एस, ठीक है, याद हो गया। और इधर देखो, इधर ये वाला जरूरी है, एन एस स्क्वायर अपॉन 9.6 ओ एच डी केस में और एन एस स्क्वायर अपॉन 4.4 एच डी केस में, सबमिट करके लेंगे। समझ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सर शेप क्या देते हैं, सर शेप बताइए, ठीक है। और एक बात और सुनो, यहाँ पे एक बड़ा कमाल का पॉइंट है जो मुझे याद आया है, अभी अचानक से तुमको बता देता हूँ। एस एस डी निकालते समय ग्रेड को नहीं लेते हैं यहाँ पे, एस एस डी निकालते समय ग्रेड को नहीं लेते हैं। नोट डाल दो यहाँ, एक नोट डाल के लिख देता हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग एस एस डी फॉर वैली कर्व ग्रेड का इफेक्ट नहीं लेते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग, अरे ग्रेड आता था ना एफ, वो प्लस माइनस एन एफ में जोड़ते थे, वाइल कैलकुलेटिंग एस एस डी ग्रेड इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड इन वैली कर्व, ग्रेड इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड, ग्रेड इफेक्ट इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, सीधा सीधा मान के निकाला जाता है। अब ग्रेड इफेक्ट पता है ना यार, भूल गए हो, VT स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर अपॉन 2GF था यार, F में प्लस माइनस N जोड़ देते अगर अपग्रेड या डाउनग्रेड होता था, याद तो आ नहीं रहा होगा। लेकिन जब तुम यहाँ, अरे यार वैली कर्व के लिए SSD निकालोगे तो सिर्फ F लगाओगे, प्लस माइनस N नहीं लगाओगे कभी भी, यही बोल रहा हूँ बस मैं, यही बोल रहा हूँ, N नहीं लगाओगे, ठीक है, इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक, आसान, क्लियर है, क्लियर चल रहा है। उसके बाद शेप क्या देते हैं, शेप क्या देते हैं बेटा, शेप बोल दो शेप बोल दो बेटा, शेप क्या देते हैं, क्यूबिक पैराबोला, वेरी गुड हीरेंद्र बहुत अच्छा बच्चा है, अभी देखो इसने पढ़ रखा है, ये रिवीजन कर रहा है अपना, बहुत बढ़िया। शेप क्या देते हैं, क्यूबिक पैराबोला, इसका क्या देते हैं बेटा, पैराबोला, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके समझते चल रहे, ठीक है, क्लियर है। इक्वेजन जाननी बता दूं, इसकी इक्वेजन जी सर, इसकी इक्वेजन क्या होती बता दूं मैं। अच्छा तो ये जो हमने अभी पढ़ा है वैली कर्व, इस वैली कर्व की सर इक्वेजन बता दी तो बढ़िया रहता है। वैली कर्व की इक्वेजन क्या होती हमारी, वैली कर्व की इक्वेजन होती y इज इक्वल टू, ये जो कर्व दिख रहा है यहाँ तुम्हें, कर्व, इस कर्व की क्यों लिख देते हैं, y इज इक्वल टू क्यूबिक है ना यार, क्यूबिक है कि नहीं बताओ, मेरी बात सुनना, क्यूबिक है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल, तो इसकी इक्वेशन है 2n बाई 3l x क्यूब, समझ रहे हो, x क्यूब है, ये भी जान लो, जिसमें ये तुम्हारा 0.0 है, और कोई पॉइंट अगर तुम्हें निकालना है तो पहले x बढ़ो वहां तक पहुंच के x बढ़ाओ, और इधर से y ले लेना, टेंजेंट से y ले लेना उस पॉइंट तक का, y ये y डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसे निकालते हैं, क्लियर है भाई। अगर तुमसे पूछे डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पॉइंट, ये भी बात जान लो, ठीक है, सुरेश कह रहे हैं एम आई राइट, सही है बेटा, सब सही बता रहे हो सुरेश, बहुत बढ़िया बता रहे हो। डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पॉइंट पूछे तुमसे, पूछे वैली कर्व में सर लोएस्ट पॉइंट कहाँ आता है, तो क्या बताओगे प्यारे बच्चे, जल्दी बोल दो, डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पॉइंट बनाएंगे हम लोग, डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पॉइंट, देखो कैसे क्या आ रहा है, हम लोग को मतलब नहीं है, डिटेल कोर्स नहीं चल रहा है, जो है सब है, मान लिया हमने सर और सीधे याद कर लिया है ना। तो डिस्टेंस ऑफ लोएस्ट पॉइंट क्या होता है, x इज इक्वल टू अंडर रूट एन वन अपॉन टू एन, इसको हटाना पड़ेगा पहले यहाँ से, एन वन अपॉन टू एन कैपिटल एन इंटू एल, मतलब यहां से अगर तुम x डिस्टेंस चले जाओगे तो वहां तुम्हें लोएस्ट पॉइंट मिल जाएगा। अगर यहाँ तुमने n1 रख दिया, कैपिटल n रख दिया, कैपिटल n का मतलब होता है तुम्हारा डिफ्लेक्शन एंगल कि भाई कितना डिफ्लेक्ट हुए तुम, ये टोटल एंगल, टोटल n रख दो, बस बात खत्म, कितना स्लो डिफ्लेक्ट हुआ n, और l क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व, रख दो x निकाल दो, और उतने x पे जाके अगर तुमने यहाँ देखा तो तुम्हें लोएस्ट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सर बहुत बढ़िया समझ लिया, पूरा चैप्टर एकदम मजेदार तरीके से खत्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है भाई, बताओ कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, यहाँ पॉइंट से रख दोगे आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। दुर्गेश ने बोला है, हाँ बिल्कुल सही दुर्गेश, वेरी गुड, एन अपॉन टू एन रूट में और इंटू एल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार दुर्गेश, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई कर रहा है बढ़िया से, है ना, ठीक है। और शेप क्या देते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, क्यूबिक पैराबोला, स्क्वायर पैराबोला जल्दी देते हैं, ठीक है, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं जल्दी, वेरी गुड। अच्छा देखो शेप जनरली जो प्रोवाइड किया था वो क्यूबिक पैराबोला होता है, एक पॉइंट में और बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पे शेप पैराबोला प्रोवाइड देते हैं, लेकिन पैराबोला नहीं लिखे स्क्वायर पैराबोला लिख दो, है ना, क्योंकि पैराबोला की जनरली यूनिट जो होती है वो स्क्वायर होती है, तुम देख सकते हो ना, यहाँ पे मैंने जब तुमको इक्वेशन बताया यहाँ पे स्क्वायर आया था यार, कहाँ गया, ये देखो यहाँ स्क्वायर बताया था, याद आ रहा है, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, स्क्वायर बताया था आपने, है ना,
स्क्वायर पैराबोला। लेकिन आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया यार, आईआरसी ने क्या रिकमेंड किया जरा वो बात कर लेते हैं। स्क्वायर पैराबोला लेकिन आइडियल अगर तुमसे कोई शेप पूछे, अगर तुमसे पूछे आइडियल सबमिट करके शेप क्या है भाई, क्योंकि देखो ये सब पॉइंट या तो मैं कोई बताएगा नहीं और कंफ्यूजन बहुत आता है इस बच्चों को, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जो पॉइंट मैंने पढ़े अपनी तैयारी के समय वो आपके साथ शेयर कर दिए जाए तो कुछ बात बन जाए सर। आइडियल सबमिट करके शेप स्क्वायर पैराबोला नहीं है, प्रोवाइड हम लोग भले ही कर रहे हैं लेकिन आइडियल सबमिट करके शेप क्या है आपका, सर्कुलर। इसके कई सारे रीजन है वो जनरली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सर्कुलर है एक कम सर्कुलर, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे भी, इसी प्रकार से यहाँ पे भी आईआरसी जो सजेस्ट करता है इसमें वैली में, वैली में अगर मैं बात करूँ तो वैली में हम लोग इक्वेशन सब क्यों भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 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 यहाँ पे भी आइडियल शेप या आईआरसी ने जो सजेस्ट किया है, ठीक है, आईआरसी सजेस्टेड स्क्वायर पैराबोला, आईआरसी सजेस्टेड स्क्वायर पैराबोला, ठीक है, याद रखना फॉर सिंपल कैलकुलेशन सिंपल होती थी इसलिए फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है सर, मान लिया आप जो बोल रहे हैं सर मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन देखो इक्वेशन तो भाई है, इक्वेशन तो क्यूब वाली चल रही है, ये देख लो यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ जरा डाउट रहते हैं सर, इज इट इनफ फॉर गेट, यस बेटा फॉर्मूले सब हो जाएंगे, फॉर्मूले बेटा इससे ज्यादा गेट में नहीं आ सकते, ये बहुत है, ठीक है, फॉर्मूले हैं इससे ज्यादा गेट वेट में कहीं नहीं आते हैं। उसके बाद अगला सवाल आ रहा है सर, सारे शेप इकट्ठे बता दो सर, बहुत कंफ्यूज होके पेपर में गलत कर देता हूँ। हाँ बेटा गुड्डे, देखो बता दिया गुड्डे जी ने पूछा है, बेटा देखो बता दिया मैंने, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। अगर तुमसे पूछते हैं कि आईआरसी ने क्या शेप सजेस्ट किया है वैली कर्व का, तो वैली कर्व में याद रखना आईआरसी ने बोला स्क्वायर पैराबोला, लेकिन जनरली जो हम लोग सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो लेंथ के फॉर्मूले निकाले गए हैं, ये सारे लेंथ के फॉर्मूले हमने निकाला है ना, तुमने डिराइव किया होगा कि नहीं किया होगा, डेरिवेशन में नहीं बता रहा हूँ, डिराइव किया था लेकिन, तो हमने क्यूबिक पैराबोला मानते हुए डिराइव किया था। ये हो गई बात वैली कर्व की, ये हो गई बात बेटा वैली कर्व की। देखो एक स्लाइड में सब लिख दिया, नोट्स वोट्स में दे दूंगा, चिंता कोई करनी नहीं है, जो बोलोगे सब तुम्हारे हिसाब से होगा, सब बच्चों के लिए होता है अनअकैडमी पे, कोई दिक्कत बात है नहीं। और सर यहाँ पे देखो गुड्डे बताओ आप समझ में आया कि नहीं, और सबमिट करके जब शेप अगर तुमसे पूछे कि तुमने ये लेंथ वगैरह डिराइव कैसे की है, क्या मानते हो डिराइव की है, क्या इक्वेशन मानी थी, तो बोलोगे तुम स्क्वायर माना था सर हमने, स्क्वायर पैराबोला माना था, लेकिन आइडिया सबमिट करके शेप क्या होता है, सर्कुलर होता है। होता क्या है कि एक्चुअली उसका जो आप जब आगे बढ़ते हैं तो सेम डिस्टेंस पे सेम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है और सेम हमको डिस्टेंस दिखाई देता है। सर्कल में क्या होता है, सब कुछ यूनिफॉर्म रहता है, पैराबोल में सब कुछ यूनिफॉर्म नहीं होता है, सर्कल में एकदम यूनिफॉर्मिटी है कर्वेचर में, लेकिन स्क्वायर पैराबोला में यूनिफॉर्मिटी कर्वेचर में नहीं है, लेकिन साइड डिस्टेंस ज्यादा मिलती है, साइड डिस्टेंस ज्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये होता है बात, अब बताओ शेप क्लियर हो गया कि नहीं, शेप क्लियर हो गया तो तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। आइडियल सबमिट कर पूछे तो तुरंत सर्कुलर लगाना, जनरल में क्या प्रोवाइड करते हैं, स्क्वायर पैराबोला, ठीक है। चलिए सर समझ गए, तो अगर तुमसे कोई पूछता है जनरली एग्जाम जैसे क्वेश्चन आ गया, इन जनरल व्हाट इज द शेप ऑफ सबमिट कर, कमेंट कर दो फटाफट कमेंट बॉक्स में, कमेंट करो, एक सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे, एग्जाम में आएगा एसएससी में आपके या कहीं पे भी आ सकता है, व्हाट इज द, ठीक है जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या बता रहा हूं मैं, व्हाट इज द जनरल शेप, व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ द कर्व व्हिच इज यूज्ड फॉर सबमिट कर, बताओ आंसर बताइए, जनरल पूछा, जनरल बात, आइडियल आइडियल नहीं पूछ रहा, जनरल पूछ रहा है, क्या बताओगे, क्या बताओगे बता दो फटाफट, फिर हम लोग ट्रैफिक शुरू करते हैं बेटा, फिर ट्रैफिक शुरू करते हैं, ज्योमेट्रिक में हमारा सब कुछ हो गया, मतलब भर का जितना था, मतलब भर का सब हमने कवर कर लिया यार, कमेंट कर दो एक बार, कमेंट कर दो बेटा, इन जनरल वी प्रोवाइड स्क्वायर पैराबोला, सर्कुलर नहीं, इन जनरल वी प्रोवाइड स्क्वायर पैराबोला, कमेंट्स आ नहीं रहे क्या, ठीक है। रेलवे वाले में क्यूबिक देते हैं बेटा, रेलवे वाले में क्यूबिक देते हैं, है ना, रेलवे वाले में क्यूबिक देते हैं हम लोग, थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, रेलवे हल्का सा भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, लेकिन अलग था दोनों में, है ना, चलो ठीक है। अगर पूछे जनरली क्या शेप देते हैं तो बोलोगे स्क्वायर पैराबोला बोल रहे, ठीक है, स्क्वायर पैराबोला, चलो ठीक। और ट्रैफिक वैली में अगर तुमसे पूछे जनरली में, वैली में जनरल शेप क्या देते हैं तो बोलोगे क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। इसी से यार ये सारी लेंथ निकाली गई है, इसी से ये लेंथ निकाली गई है, ठीक है, बिल्कुल दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है जिसका नाम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। सर ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है, देखो यार सिंपल सी बात है यार, आपके शहर में बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपने रोड तो बना दी भाई, ज्योमेट्री डिजाइन सर आपने मुझे पढ़ा दिया, रोड मैं बना सकता हूं, मैंने सब प्लानिंग कर ली, लेकिन यार रोड पे गाड़ियां कितनी चल रही हैं, कभी ऐसा होता है कि रोड पे गाड़ियां ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, तो मुझे क्या करना पड़ता है,
उनके ऑपरेशन में दिक्कत आती है, रोड में जो गाड़ियां चल रही है उनके ऑपरेशन में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, लड़ जा रही है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं आपने चौराहा नहीं दिया, कहीं रोटरी नहीं दी, तो लड़ाई हो रही है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग चाहते हैं हमारा जो क्या नाम है ट्रांजिट हो रहा है वो बड़ा सेफ रहे, बड़ा सेफ रहे, लोगों को आराम से हम लोग सुविधा प्रोवाइड कर सकें, और गुड्स और जो लोग हैं हमारे और जो गुड्स कैरी हो रहे हैं दूसरी जगह सेफली हो जाए और पैसा भी बच जाए। तो हम लोग को थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो तुमसे अगर पूछे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, तो तुम बोलोगे इंजीनियरिंग का ये वो हिस्सा है, यह वो हिस्सा है जिससे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को बड़ा आसान कर दें, सस्ता कर दें और सेफ कर दें। सेफ वर्ड बड़ा जरूरी है जिससे लोगों को देर भी ना हो और कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए क्या होता है, मुझे बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है बेटा, ठीक है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक लाइन, हम लोग लाइन शुरू करते हैं ट्रैफिक में, टू अचीव फ्री एंड टू अचीव, चलते चलते हैं स्पीड में चलते चलेंगे हम लोग, टू अचीव। आप लोग अगर मेरा ये कोर्स अच्छा लग रहा हो क्रैश कोर्स, शेयर करा करिए ताकि थोड़े और बच्चे रहे तो बढ़िया रहे, मजा आता है। फिर टू अचीव फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ, टू अचीव फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक जिसमें एक्सीडेंट क्या हो, जिसमें बताओ एक्सीडेंट क्या हो कम, पैसा क्या लगे कम, सेफ्टी क्या हो ज्यादा, एक्सीडेंट कम हो जाए, कॉस्ट इकोनॉमिकल हो जाए, ऐसा लिख देते हैं इकोनॉमिकल हो जाए, बस ये है मेरा इंजीनियरिंग। अब मैं लगाऊंगा दिमाग, मैं लगाऊंगा सर दिमाग, इकोनॉमिकल हो जाए और क्या हो जाए बेटा, सेफ हो जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है सर। अब देखो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। पहले तो हम लोग सब कुछ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, ठीक है, सुनते चलना। अब देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहले को ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, ठीक है, फिर हम लोग को ट्रैफिक कंट्रोल पढ़ना है, और एंड में हम लोग ट्रैफिक सिग्नल देखेंगे, जिसमें सिग्नल्स होते हैं पूरे, कि हम लोग आखिर में एक्चुअल में ट्रैफिक को रेगुलेट कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, वो हम लोग के आखिरी पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अभी लोग चैप्टर का पहला हिस्सा शुरू करते हैं जिसका नाम है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझनी है। तो देखो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा चैप्टर का पहला भाग है, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यार देखो जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी आप तीन ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो बेटा, तीन, कितनी बता दो, तीन, यस सर बिल्कुल सही बात है। अच्छा बताओ मेरी जो गाड़ियां चल रही हैं, जो गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है, जो ट्रैफिक जा रही है, तुम ये तीन चीजें बता सकते हो। पहला तो जो उसके अंदर बैठा हुआ आदमी है उसके बारे में चर्चा कर सकते हो, दूसरा जो वो गाड़ी चला रहा है, रोड है, बाइसिकल है, तांगा चला रहा है, क्या चला रहा है सर, व्हीकल के बारे में चर्चा कर सकते हो, और ब्रेक लगाने की क्षमता में बात कर सकते हो, ठीक है, ब्रेक लगाने की क्षमता में बात कर सकते हो, ठीक है। तो तीन चीजों पर मैं चर्चा करूंगा, मेरी जो ट्रैफिक जा रही है उनके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। पहला बोलता हूं मैं रोड यूजर, क्या बोल रहा हूं प्यारे बच्चे, रोड यूजर या ड्राइवर बोल दो, सिंपल सी बात है, जो ड्राइवर साहब है हमारे, ड्राइवर साहब पागल तो नहीं है कहीं, पागल होंगे तो एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक्स, रोड यूजर या ड्राइवर कैरेक्टरिस्टिक, बहुत बढ़िया से मैं समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा पूरा एकदम, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं चर्चा करूंगा कि भाई सर मेरी जो व्हीकल है उसकी उसकी क्या, उसका हिसाब किताब कैसा है, उसका हिसाब किताब कैसा है, ठीक है, व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स। और तीसरा हम लोग बात करेंगे ब्रेकिंग, तीसरा बेटा बात करेंगे हम लोग ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ गाड़ियां होती हैं जिसमें ब्रेक बहुत अच्छे से लगता है, कभी कभी ब्रेकिंग एफिशिएंसी अच्छे से नहीं आती है ना। और देखो ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशंस लगती है जिससे आप आंसर निकाल लेते हो, ठीक है, वो सब जरूरी नहीं है, गेट में एक आध क्वेश्चन आते हैं छोटे मोटे, वो आप वैसे भी कर लोगे, बेसिक फिजिक्स लगती है उसमें, बस बेसिक फिजिक्स लगती है, ठीक है। अच्छा सर ये बात है, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है हमारी, ठीक है। अब रोड यूजर में मैं बात करूंगा, रोड यूजर जरूर देखना, अब रोड यूजर क्या बताओगे यार, कि वो उसका कैसा विजन है, वो अच्छे से सुन पा रहा है, देख पा रहा है, ये सब चीजें सिंपल सी बात है। उसकी जो फिजिकल एबिलिटीज हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं, हर एक की अलग अलग होगी, है ना, जैसे मान लो क्या क्या बात कर सकते हो, सुनना, देखना, है ना, ये सब चीजें, विजन कैसा है ना, विजन, बिल्कुल सही बात है। ट्रक वाले तो ऐसे चलाते हैं जैसे लग रहा है उनकी खुद की रोड है, बिल्कुल सही बात है, सब अपने अपने साथ चलते हैं। दूसरा वो साइकोलॉजिकली कैसा है, कुछ लोग होते हैं जैसे मान लो लड़कियां गाड़ी चला रही हैं तो सामने अगर कुछ हो गया तो रोने लगेंगी, अपनी गाड़ी उड़ा देंगी, जैसे साइकोलॉजिकल, सबकी साइकोलॉजी अलग अलग होती है, ठीक है, सबका एंगर, फियर, मैच्योरिटी और जो इमोशंस होते हैं सबके अलग अलग है, अब सबका अलग अलग हिसाब किताब है सर। आप अलग कुछ लोग को गुस्सा आ रहा है, गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं, जोश में एकदम लड़ा दिए, समझ रहे हो, तो ये सब चीजें हैं। मेंटली वो कैसे स्टेबल है, उनका एक्सपीरियंस है कि नहीं ज्यादा, है ना,
मेंटल की बात करते हैं, मेंटली मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनके दे सकते हैं कि उनकी नॉलेज कैसी है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है ना, तो काफी सारी चीजें हैं जो उसमें मैटर कर जाती हैं। ये डिपेंड करता है रोड यूजर टू रोड यूजर, हर एक यूजर अलग तरह से अपना परसीव करता है, ठीक है। और बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, कभी कभी मान लो पानी पड़ा है, लोकेलिटी कैसी है, इन सब चीजों में फर्क पड़ता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब लोकेलिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ यार, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सभी एकदम स्टाइल में गाड़ी चलाते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ किसी को मतलब ही नहीं है, आप कितने समझा लो। तो लोकेलिटी, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, सबका फर्क, मतलब एटमोस्फेरिक कंडीशंस, इन सबका फर्क पड़ता है ना, तो ये आपका रोड यूजर मैगल। फिर अगर तुम यहाँ पे व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो क्या बताओगे, सीधी सी बात है, व्हीकल की डायमेंशन की बात करोगे तुम, है ना, व्हीकल की डायमेंशन बात करोगे। क्यों, बड़े बड़े डायमेंशन के रोड है तो भाई रोड भी आपको बड़ी बनानी पड़ेगी, चौड़ी बनानी पड़ेगी, उनको मैनेज करने का अलग तरीका होगा, सिग्नल भी तुम हिसाब से दोगे, ठीक है, काफी दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद आप बात करेंगे कि वेट कितना है, गाड़ी के वेट से होता क्या है ना, हमारी पेमेंट की थिकनेस डिसाइड होती है भाई, गाड़ी के वेट से पेमेंट की थिकनेस दिखा देती है, अगर ज्यादा वेट होगा तो ज्यादा थिकनेस होगी, ठीक है। पावर क्या है उसकी, अच्छा पावर से क्या मतलब, हमें पावर से क्या मतलब, देखो चढ़ाई बढ़ाई आ जाएगी, ग्रेडियंट आ जाएगी, तो ज्यादा पावर वाला चढ़ जाएगा ऊपर, कम पावर वाला चढ़ ही नहीं पाएगा, गिर पड़ेगा, है ना, वो नीचे आ जाएगा वापस, और स्पीड वगैरह, तो ये सब जो चीजें हैं ये सब गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करती है ना, स्पीड ऑफ व्हीकल। अब नेशनल हाईवे स्पीड बहुत जरूरी है आपकी, स्पीड बिना गाड़ियों की स्पीड की बात ही नहीं होगी, बैलगाड़ी थोड़ी चलाएंगे हम लोग नेशनल हाईवे पे, बैलगाड़ी थोड़ी चलाएंगे, ठीक है। और ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों स्टडी करते हैं, ताकि एक्सीडेंट ना हो और आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है या दो गाड़ियों के बीच की जो जगह है उसका स्टडी किया जाता है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस में गाड़ी आपकी रुक जाए ये कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये क्यों स्टडी करना है, ताकि सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स रहे, ताकि सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स रहे, और ब्रेक आपका लगे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के अंदर ही आप रुक जाएं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और स्पेसिंग वगैरह डिसाइड होती है, स्पेसिंग वगैरह डिसाइड करते हैं इससे, क्योंकि तुम रोड बना रहे हो तो तुम्हें ये डिसाइड करना है कि भाई एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस कितना हो। खुद बताओ, जरा एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, एक सवाल पूछता हूँ, बताओ ब्रेकिंग अगर एफिशिएंसी अच्छी है, गाड़ी बहुत अच्छे से ब्रेक लगा पा रही है, तो तुम दो गाड़ियों के बीच की स्पेसिंग कम कर सकते हो कि ज्यादा कर सकते हो, कमेंट करके बताओ जरा मुझे। दो गाड़ियों के बीच की स्पेसिंग कम रख सकते हो, ज्यादा रख सकते हो, कम कर सकते हो, पास फंसा सकती है गाड़ियां, ज्यादा चलते चलते पास फंस रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ब्रेक अच्छे से लग पा रहा है सर। क्योंकि ब्रेक अच्छे से लग पा रहा है, तो सौन मैं क्या बता रहा हूं मैं, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी में हम लोग को स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझ गए होगे, समझ गए होगे, ब्रेक अच्छे से लग पा रहा है, दो गाड़ियां पास पास ही चल सकती हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग वगैरह इसी से डिसाइड होती है, गाड़ी के बीच की दूरी कितनी रखनी है, हाँ बिल्कुल सही, इसी से डिसाइड होती है, वेरी गुड। अब मेरा इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है सर, बड़ा कमाल का टॉपिक है, हमें इस ट्रैफिक का अध्ययन करना है, बहुत सारी स्टडीज करनी पड़ेंगी, बहुत सारी स्टडीज यहाँ मैं करता हूँ, ट्रैफिक सर्वे कलेक्ट करता हूँ, ताकि ट्रैफिक डेटा को मैं जरा अच्छे से समझ सकूँ, ठीक है। इसको मैं ट्रैफिक सर्वेस बोल सकता हूँ, बहुत तरह के सर्वे होते हैं, मैं एक एक सर्वे की बात करूंगा, यहाँ पे चर्चा करेंगे, जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी, स्पॉट स्पीड स्टडी, एक्सीडेंट की स्टडी करते हैं, पार्किंग की स्टडी करते हैं, मतलब जो भी हो रहा है, ठीक है, जो भी हो रहा है, हम लोग उन सब चीजों की स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग ट्रैफिक को अच्छे से प्लान कर सकें, ठीक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जैसे आपने सुना होगा ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी, जर्नी की स्टडी, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग हमारी है ट्रैफिक सर्वेस और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, तो जो भी चीजें हैं जरा चर्चा करते हैं, स्पीड में हम लोग ट्रैफिक सर्वेस की जरा बात करेंगे। तो देखो सबसे पहला जो सर्वे मेरा आता है, एक एक सर्वे की मैं डिस्कशन करूंगा आपसे, आपको पूरी चीज का आइडिया हो जाएगा, क्विक रिविजन हो जाएगा, मजा भी आ जाएगा हम लोग को। तो पहला जो हमारा सर्वे है सर, पहला सर्वे बड़ा कमाल का, उसका नाम है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। यार ये ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो सर मुझे ये बताइए। जैसे हम लोग की जनगणना होती है ना, लोगों की गणना की जाती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जैसे हर 10 साल में होती है, सेंसस बोलते हैं, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैफिक सर्विस को ट्रैफिक सेंसस। क्या बोलते हैं सर? ट्रैफिक सेंसस। ट्रैफिक गिना जा रहा है, उनकी स्पीड देखी जा रही है। अच्छा आदमियों में क्या होता है, आदमियों को गिना जाता है, उनकी स्पीड देखी जाती है कि वो कितने बच्चे पैदा करते हैं, फर्टिलिटी रेशियो क्या है, मॉर्टिलिटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है। वैसे यहाँ गाड़ियों की स्पीड देखी जा रही है, गाड़ियाँ किस रेट से मल्टीप्लाई कर रही है, आज अगर इस शहर में 10 गाड़ियां तो 10 साल बाद कितनी गाड़ियां हो जाएंगी, ग्रोथ रेट देखना होता है ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो अब ट्रैफिक वॉल्यूम की जरा बात करते हैं हम लोग, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की बात करते हैं। पहला सर्वे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, पहले तो बेटा बात समझो, ये ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, पहले बात समझो जरा ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, किसी को पता है? अरे कुछ नहीं बेटा, रोड पे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो गए, मान लो तुम जैसे एक लड़का है यहाँ पे हमारे साथ, गुड्डे है या देवाजीत है, यहाँ पे खड़े हो गए देवाजीत जी, और
जाते हुए गिन रहे हैं, एक गाड़ी निकली, दो गाड़ी निकली, तीन गाड़ी निकली, चार गाड़ी निकली, तो एक किसी पॉइंट से कितनी गाड़ियां निकल गई एक घंटे में, एक पॉइंट रोड के किसी एक सेक्शन से कितनी गाड़ियां निकल गई प्रति घंटा, उसको मैं बोलता हूँ ट्रैफिक वॉल्यूम, उसको मैं बोलता हूँ ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ नंबर ऑफ व्हीकल्स, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू, स्टडी ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन पर यूनिट आवर, नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉसिंग अ सेक्शन, समझ पा रहे हो कि नहीं, कुछ समझ में आया, क्रॉसिंग अ सेक्शन पर यूनिट टाइम, बस सिंपल सी बात है, इसमें बोलता हूँ ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, सेक्शन ऑफ रोड पर यूनिट टाइम। अब इसको मेजर कैसे करते हैं सर, यार कुछ नहीं, इसकी जो यूनिट होती है सिंपल सी होती है व्हीकल पर आवर, जैसे यहाँ पर फॉर्मुला देखो, व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर डे में, इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, क्यू से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मुला होता है नंबर ऑफ गाड़ी प्रति यूनिट टाइम, नंबर ऑफ व्हीकल्स अपॉन टाइम कर दो। अगर टाइम तुम्हारा आवर में तुम्हें चाहिए, मान लो टाइम तुम्हें सेकंड में दिया, तुम्हें उसे आवर में निकालना है, तो बेटा सेकंड को तुम आवर में कैसे करोगे जरा बता दो, सेकंड को आवर में कैसे करेंगे, 3600 से डिवाइड करके, 3600 से डिवाइड करो तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कभी कभी आपको जो फॉर्मुला बुकों में मिलेगा उसमें 3600 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा, मान लो 100 गाड़ियां पास हुई एक घंटे में, 100 गाड़ियां यहां पे 118 सेकंड में पास हो गई, कितने सेकंड में पास हो गई प्यारे बच्चों, 18 सेकंड में, तो जरा आओ ट्रैफिक वॉल्यूम निकालें, तो 100 व्हीकल पास हुई, एन मेरा कितना हो जाएगा सर, 100 व्हीकल, ठीक है, 100 व्हीकल अपॉन टाइम कितना है सर, 1800 सेकंड, जरा इस सेकंड को घंटे में कन्वर्ट कर दो, तो क्या है लिख देंगे हम लोग, 3600 से डिवाइड कर देंगे, लिख देंगे 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर, तो सेकंड सेकंड बेटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 1800 और ये कितना हो जाएगा, 3600 तो हो जाएगा, जब 18 सेकंड में 100 गाड़ी निकल रही थी, तो सर मैं पक्का बता रहा हूँ 3600 सेकंड में 200 गाड़ी निकलेगी, जस्ट डबल, तो यहाँ 200 व्हीकल पर आवर पास होंगे, 200 व्हीकल पर आवर पास होंगे, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे, मुझे लगता है आप लोग अच्छे समझ गए होंगे इस एग्जांपल को। तो ये जो टी है, ये टी हमारा सेकंड में है, तब यहाँ 3600 लगाना, और अगर टी तुम्हारा आवर में है, टी आवर में है, तो यहाँ 3600 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे व्हीकल पर आवर हो जाएगा, फिर तो सीधे सीधे व्हीकल पर आवर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये टी हमारा किसमें सर, सेकंड में, वेरी गुड, और एन क्या मेरा, नंबर ऑफ व्हीकल, आसान है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, और जो क्यू है ट्रैफिक वॉल्यूम है, ये आएगा व्हीकल पर आवर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर, सर मुझे ये बता दो, आपने ये तो बहुत अच्छा बताया, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कैसे होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करने के तरीके हैं, घड़ी लेके तो मैनुअली काउंट कर लो, है ना, कभी कभी ऑटोमेटिक काउंट करते हैं, न्यूमेटिक ट्यूब होती है, वीडियो रिकॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल पेन रिकॉर्डर्स होते हैं, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कैसे करते हैं। देखो ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करने के कई तरीके हैं, देखो यार एक एक पॉइंट कवर करते चलेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो इससे परेशान मत होना ज्यादा कि सर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट कवर कर लेते हैं, ज्यादा लगेगा भाई हाँ छोड़ देंगे। तो देखो इसमें दो तरीके हैं सर, एक तो मैनुअल काउंट कर लिए सर आप, मैनुअल काउंट, और दूसरा होता है बेटा ऑटोमेटिक, दूसरा क्या होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक होता है, जैसे तुम देखा होगा आजकल तो चौराहा चौराहे पे क्या होता है, कैमरे लगे होते हैं, ऑटोमेटिक होता है ना, सुनते चलो, ठीक है, मैनुअल काउंट, तो मैनुअल काउंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है, तुम सिंपल जैसे अभी गुड्डे यहाँ पे खड़े थे और गाड़ियों गिन रहे, तो बस मैनुअली काउंट कर लो, उसमें क्या है, ठीक है, इसकी खास बात क्या है ना, इसमें तुम गाड़ियों का क्लासिफिकेशन कर सकते हो, अगर ऑटोमेटिक कोई चीज कैमरा अगर हमने लगा दिया, जैसे ऑटोमेटिक कैसे काउंटिंग होती है भाई, वीडियो रिकॉर्डर लगा दिया ना, कैमरे लग जाते हैं, आपको पता होगा कैमरा क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है बस, और क्या करता है कि नहीं, न्यूमेटिक ट्यूब लगा दी, सड़क पे एक ट्यूब पड़ी रहती है, उस ट्यूब पे जब गाड़ी पास होती है तो एक बार पास हुई, प्रेशर गया और सिग्नल रिकॉर्ड हो गया, भाई एक गाड़ी निकल गई, दूसरी गाड़ी निकल गई, लेकिन वहां ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सी गाड़ी पास हुई है, क्या साइकिल पास हुई है तार के ऊपर से, या ट्रक पास हुआ है, बस एक वो गिनता है, ऑटोमेटिक में दिक्कत क्या, आप गाड़ी का क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वीडियो रिकॉर्डर, न्यूमेटिक टाइप, और क्या सर, मल्टीपल पेन रिकॉर्डर, ठीक है। तो देखो कमाल की बात यह है, इसमें ये थकाने वाला काम है, मैनुअल काउंटिंग करोगे तो मरवट ना जाओ कहीं, कब तक मैनुअल काउंटिंग करोगे यार, परेशान नहीं हो जाओगे, तो इसका एडवांटेज क्या है सर, इसका एडवांटेज ये है, क्लासिफिकेशन इज इजी, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स कर पाते हैं हम लोग, समझ पा रहे हो मोटा, हाँ सर समझ में आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स इज पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे व्हीकल क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिक में क्या है, व्हीकल क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, है ना, समझ पा रहे हो, व्हीकल क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ भाई
ऑब्वियसली ज्यादा एक्यूरेट या ज्यादा सही कौन है, व्हीकल क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर तुमको गाड़ियां पता करने की, हाँ भाई कौन कौन से टाइप की गाड़ियां पास हो रही है, तो खुद देखना पड़ेगा, तब तो देखना ही पड़ेगा भाई, है ना। लेकिन ऑटोमेटिक से काम चलाते हैं हम लोग, गिनती आ जाती है हमें, ठीक है, गिनती मिलेगी। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी आपकी, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, अभी मैं आगे बताता हूँ। और डाउट, क्या डाउट है बेटा? सर बुड्ढे क्या डाउट पूछा तुमने? सर शॉर्ट नोट्स पीडीएफ डाल दीजिए चैनल पर। चलो डाल देंगे बेटा, ठीक है। अरे इतनी सारी तो हैंडबुक आती है मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हैं, इतनी सारी हैंडबुक आती है, हैंडबुक ले लो, सब वही है आजकल, कोई दिक्कत थोड़ी है। शॉर्ट नोट डाल देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, शॉर्ट नोट लेकिन आप लोग खुद बनाइए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब देखो हम लोग इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं यार, अभी ट्रैफिक वॉल्यूम को प्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, गिनती कर ली, कमेंट करो यार गिनती हो गई कि नहीं, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, यार मेरे साथ चलो कमेंट करते चलो, तुमने गाड़ियां गिन ली या तो मैनुअली या तो ऑटोमेटिक, अच्छा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आपने बोला गाड़ियां गिनी हमने। अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, कैसे मैं इसको प्रेजेंट करूंगा, उसके कई सारे तरीके हैं। या तो ट्रेंड चार्ट बना दो भाई, क्या बना दो? ट्रेंड चार्ट, उसमें ये दिखा दो कि भाई इस साल इतनी वॉल्यूम है, इस साल इतनी वॉल्यूम है, ठीक है, ये इस साल इतनी वॉल्यूम है, तो इस तरह से तुम लोग शो कर सकते हो, ठीक है, जिसमें तुमको ट्रेंड दिखा दो, जिससे ट्रेंड बता दिया कि हाँ भाई ट्रैफिक वॉल्यूम हर साल इस तरह से वेरी कर रहा है, ठीक है। और क्या होता है सर? और होता है एवरेज डेली ट्रैफिक, यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है कि ये वाला पीडीएफ बेस्ट है, ये वाला पीडीएफ बेस्ट है, बेटा देखो सब जगह एक ही कंटेंट है यार, एक आध पॉइंट इधर उधर सब जगह होते हैं, क्या पता आपको मेरे नोट्स में ऐसा हो क्या पता एक पॉइंट ना मिले, क्या पता उस जगह एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, तो आप कोई भी एक फॉलो करो जिसका ठीक है, जो बेस्ट चल रहा है, कोई भी एक फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस एक सोर्स को आप फॉलो करिए, कुछ नया मिले वहां जाके जोड़ दीजिए, उसको लिख दिया करिए, बस ऐसे ही सब, सारे बच्चे ऐसी तैयारी करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। कोई भी आप एक फॉलो करिए, मान लो मेरी तरफ से कुछ नया पॉइंट आया तो आप वहां जाके लिख दो, अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो तो वहां अगर कोई नया पॉइंट आया तो यहाँ लिख दो, इस तरह से आप चलो भाई। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई मटेरियल परफेक्ट नहीं है, कोई मटेरियल परफेक्ट नहीं है, आपको चीजें नहीं तो मिलती रहेंगी, हमेशा मिलती रहेंगी, ठीक है। अच्छा एडीटी क्या होता है भाई, एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है, एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है भाई, कुछ मत करो यार, 7-8 दिन गाड़ियां गिनो, टोटल नंबर ऑफ गाड़ियां गिनो, मान लो 7-8 दिन, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दो, कम से कम देखो 7 दिन गिने जाती हैं, कम से कम 7 दिन, ठीक है, पूरे साल गिनने की जरूरत नहीं है, पूरे साल गिन लोगे तब तो उसको मैं बोल दूंगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है, उसको फिर हम लोग क्या बोल देंगे, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, मतलब एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है कि हमारा एक दिन में कितनी गाड़ियां पास हो रही है, लेकिन कम से कम गाड़ियों की संख्या को तुम कम से कम 7 दिन का एवरेज जरूर लो, कम से कम 7 दिन का एवरेज जरूर लो। तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन, बड़ी छोटी सी लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, काउंट नंबर ऑफ व्हीकल्स, काउंट नंबर ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन डी, लेकिन ये जो डी ड्यूरेशन आप बता रहे हैं सर, ये कम से कम आप 7 दिन रखिए ताकि अच्छा एवरेज निकल गया भाई, है ना, ड्यूरेशन ले रहे तो कम से कम 2 हफ्ता लो, 4 हफ्ता लो, इस तरह से लेके चलो भाई, ठीक है, एटलीस्ट 7 डेज, ठीक है, जो बुकों में लिखा है बता रहा हूँ, जस्तो खन्ना में ऐसे लिखा हुआ है भाई, सब बातें यहाँ चल रही है और कोई नया नहीं है, ठीक है, जस्तो खन्ना आपकी अच्छी बुक है, हाईवे की बहुत अच्छी बुक है, सब लोग वही पढ़ते हैं। अच्छा अगला बताइए सर, एनुअल एवरेज क्या होता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं AADT। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, साल और जितनी गाड़ियां पास हुई हैं पूरे 365 से डिवाइड कर दो, सिंपल, पूरे साल में जितनी गाड़ियां प्रोवाइड हुई हैं, पास हुई हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन ईयर, ठीक है, किसी एक पॉइंट से नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ पॉइंट अपॉन 365 कर दो बस। अरे यार साल में 365 दिन होते हैं कि मेरे दोस्त, डेली ट्रैफिक का एवरेज मिल जाएगा कि नहीं, है कि नहीं, काउंट नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग अ पॉइंट, ठीक है, आसान बात है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, पासिंग अ पॉइंट। अब और क्या तरीके से, और कुछ सब बताइए, जितना आपको आता है सब बता दीजिए सर, फटाफट बताते चलिए बस, रुकिए मत बिल्कुल। अगला आता है आपका 30th, शायद तुमने सुना हो, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, सर ये क्या भला बता रहे हैं आप, ये क्या भला, ये तो टफ लग रहा है सुनने में, ये तो सुनने में बहुत टफ लग रहा है सर, ठीक है, अरे कुछ नहीं, इसको हम लोग डिजाइन आवरली वॉल्यूम कहते हैं,
होता क्या है, देखो साल में कितने घंटे होते हैं, साल में बहुत सारे आवर्स होते हैं, देखो साल में 365 दिन हैं, 365 दिन हैं, और हर दिन में सर 24 घंटे होते हैं, अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो ये लगभग लगभग पता कितना आएगा पूरे साल में, पता कितने घंटे आ जाएंगे मेरे, बहुत सारे घंटे होंगे सर, बताता हूं मैं, अरे सर पूरे साल में 8760 घंटे, अरे बाप रे सर बहुत घंटे हैं भाई। अब देखो होता क्या है, इस पूरे साल में इतने सारे घंटे हैं, उसमें एक घंटा ऐसा होगा जो फर्स्ट आएगा, उस घंटे में सबसे ज्यादा गाड़ियां पास होंगी, मान लो उस घंटे में 5000 गाड़ियां पास होंगी, एकदम जाम ही जाम लग गया, भीड़ हो गई सर, एकदम गर्दा मच गया वहां सर, एकदम कचर हो गई, कचर समझ लो क्या क्या बोला जाए बताइए, भीड़ हो गई सर बहुत ज्यादा। अच्छा दूसरा सेकंड नंबर का जो घंटा था, सेकंड नंबर का जो आवर था, ठीक है सेकंड नंबर का जो आवर था, मान लो उसमें आपकी 4500 गाड़ियां पास हुई, ऐसे थर्ड नंबर का आवर होगा, थर्ड नंबर मान लो 4200 गाड़ियां पास हुई, इस तरह से चलते जाओ चलते जाओ, ऐसे फिर 28th रैंक वाला आवर आएगा, 29th वाला आएगा, और 30th आएगा, 30th हाईएस्ट वॉल्यूम वाइज, 30th हाईएस्ट की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। मान लो 30th हाईएस्ट मान लो आया आपका 2500 मान लो, या मान लो थोड़ा ज्यादा ही रखो, आ गया मान लो 3800 ऐसे आ गया, ठीक है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इस 30th हाईएस्ट आवर में, आवरली वाइज मैंने पूरे ईयर की वॉल्यूम को स्टडी किया, उसमें जो 30th हाईएस्ट आया, फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं थर्ड नहीं, 30th नंबर पे जो आवर आया, उसमें जो गाड़ियां पास हुई 30th नंबर पे, ठीक है उसको हमने ले लिया, उसको हमने ले लिया डिजाइन, उसको बेटा हमने क्या ले लिया डिजाइन ले लिया, ठीक है। तो एक ऐसा आवरली वॉल्यूम, ठीक है एक ऐसा आवरली वॉल्यूम, अच्छा तुम बताओ मुझे एक बात बताओ, साल में कितने आवर ऐसे हैं जब वॉल्यूम इससे ज्यादा हो रहा है, साल में ऐसे कितने आवर हैं जब वॉल्यूम इससे ज्यादा हो रहा है, मात्र 29 घंटे ऐसे हैं सर जब वॉल्यूम हमारा 30th हाईएस्ट वाले से ज्यादा होगा, मेरी बात समझ पा रहे हो, वॉल्यूम 3800 से ज्यादा कितनी बार होगा, मात्र 29 बार, मात्र 29 बार, अच्छा कितने में से 8760 में से मात्र 29 बार आपका वॉल्यूम पार हो पाएगा, मेरी बात समझ लो, हाँ सर बिल्कुल समझ पा रहे हम लोग, तो 8760 में से मात्र ऐसे बड़े गिने चुने मौके आते हैं, 29 मौके आते हैं, तो अगर थोड़े बहुत मौके आ भी जा रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर समय तो हम लोग सेफ रहेंगे, ठीक है ज्यादातर समय तो हम लोग सेफ रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं लिखता हूँ एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लड़का पूछ रहा है 30th को लेते हैं, बेटा 30th इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर फर्स्ट वाला डिजाइन करोगे हाईएस्ट वाले आवर के हिसाब से रोड पर डिजाइन करोगे, रोड बड़ी चौड़ी बनेगी, महंगा हो जाएगा, पैसा वैसे ही नहीं हम लोग पास, पैसे की वैसे ही बहुत दिक्कत रहती है, इस दुनिया में सब कुछ पैसा है, समझ रहे हो, तो कंजूसी करते हैं, कहते हैं फर्स्ट वाले को नहीं झेलना, 30th वाले को झेल लो, क्योंकि साल में सिर्फ 29 घंटे तो दिक्कत होगी लोगों को, अरे साल में इतने सारे घंटे हैं, 29 घंटे पब्लिक परेशान हो जाएगी तो दिक्कत क्या है, पैसा तो बच जाएगा सरकार का, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इट इज द आवरली वॉल्यूम, इट इज द आवरली वॉल्यूम दैट विल बी एक्सीडेड, इट इज द आवरली वॉल्यूम दैट विल बी एक्सीडेड ओनली कितनी बार, वेरी गुड 29 बार, वेरी गुड, दैट विल बी एक्सीडेड, दैट विल बी एक्सीडेड ओनली ओनली 29 टाइम्स, ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर, बहुत बढ़िया सही बता रहे हो, कमेंट बहुत अच्छा करो, सही बता रहे हो एकदम, 29 टाइम्स इन अ ईयर है ना, ये हो गई बात, इसको हम लोग बोलते हैं एंड, और बाकी हर घंटे में, बाकी किसी भी घंटे आप देख लीजिए, एंड ऑल अदर आवरली वॉल्यूम्स आर लेस, एंड ऑल अदर आवरली वॉल्यूम्स, एंड ऑल अदर आवरली वॉल्यूम्स ऑफ द ईयर, ऑल अदर आवरली वॉल्यूम ऑफ द ईयर विल बी वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, विल बी लेस, दिस विल बी लेस देन दिस वैल्यू, विल बी लेस, ठीक है। अच्छा क्या प्रॉबर्टी है कि आपका जो रोड का कंजेशन है उससे ज्यादा हो जाए, व्हाट इज द प्रॉबर्टी ऑफ कंजेशन इन ईयर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंजेशन क्या निकल के आएगी, जाम कब लगेगा, तुमने तो 30 के हिसाब से सोचा, तुमने तो 30 के हिसाब से सोचा सर, जाम लगेगा 29 मौकों में सर, 29 मौके ऐसे आएंगे जब जाम लग जाएगा 8760 में से, अरे यार बताया था कि नहीं, भूल गए भाई सर, 29 मौके ऐसे आएंगे 365x24 घंटे में जब आपका जाम लग सकता है, ठीक है ये कितना आएगा बेटा 0.33 के आसपास आएगा, ठीक है 0.33 इतना परसेंटेज में मतलब निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.33% आ जाएगा, ठीक है चलो ठीक बहुत बढ़िया। इसका ग्राफ कैसा बनता है सर, ग्राफ भी थोड़ा बना देते हैं क्या जा रहा है ना, जब इतना जान ही गए सब कुछ जान लेते हैं फटाफट, ठीक। तो देखो ये ग्राफ ऐसा बनता है, हम लोग यहाँ पे AADT प्लॉट करते हैं, इधर हम लोग प्लॉट करते हैं AADT और इधर हम लोग लिखते हैं, ठीक है इधर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन वन ईयर एक्सीडिंग, ठीक है जैसे मान लो यहाँ पे 20th आवर आएगा, यहाँ 40th आएगा, और इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से आपका ग्राफ बन जाएगा, इस ग्राफ में 30 पे चले जाना, 30 पे चले जाना,
और जो वैल्यू मिले बस वही हमारा क्या हो जाएगा डिजाइन, वही हमारा डिजाइन में यूज किया जाएगा। ठीक है, डिजाइन वॉल्यूम होता है। तो याद रखना तुमसे एग्जाम में सवाल पूछे व्हाट इज डिजाइन वॉल्यूम, तो बोलना 30th हाईएस्ट आवर। तुमसे एग्जाम पूछे कि डिजाइन वॉल्यूम क्या है, क्या है मेरे दोस्त डिजाइन वॉल्यूम, तो बोलना डिजाइन वॉल्यूम कितना लेते हैं सर, 30th हाईएस्ट आवर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो 30th पे जाते हैं और सीधे सीधे वो वैल्यू हम लोग पिकअप कर लेते हैं। ठीक है, 30th इधर 60th होता है। इधर क्या लिखा है, नंबर ऑफ आवर्स इन वन ईयर विद ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडिंग दिस वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स इन वन ईयर विद ट्रैफिक वॉल्यूम एक्सीडिंग दिस वैल्यू। सुरेश कह रहे हैं मेरी रिक्वेस्ट कबूल करें। बेटा कौन सी रिक्वेस्ट है, क्या हो गया ऐसा, क्या रिक्वेस्ट होगी बताइए। सब हो जाएगा बेटा, सब चलने दो यार, सब धीमे धीमे सब होगा, सब भगवान की इच्छा से होता है, सब आराम आराम से चलेगा, सब हो जाएगा बेटा, सब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं सर। देखो पीरियोडिक वॉल्यूम काउंट्स में कुछ हम लोग को फैक्टर्स देखने होते हैं, वो सर समझ लेते हैं। ठीक है, पीरियोडिक वॉल्यूम काउंट्स की बात करते हैं जरा हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो इसमें मुझे तीन फैक्टर पढ़ने हैं, समझ लेना। एक होता है मेरा मंथली एक्सपेंशन फैक्टर, एक होता है मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। फॉर्मूला पता है तुम लोग को, मंथली एक्सपेंशन फैक्टर फॉर्मूला पता है, बताओ यस और नो। मंथली एक्सपेंशन फैक्टर एक होता है मेरा डेली एक्सपेंशन, और एक होता है आवरली एक्सपेंशन। याद रखना, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछ सकते हैं एसएससी वगैरह में आपके, मंथली एक्सपेंशन, डेली एक्सपेंशन और आपका आवरली एक्सपेंशन, मंथली डेली आवरली। ठीक है, ये सब आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके सर, तो देखो मंथली एक्सपेंशन फैक्टर क्या होता है आपका, सिंपल सा जो AADT आया है, तीनों को जरा पहले इक्वल कर दें, फिर लिखते हैं फॉर्मूला अलग इंक से। AADT कितना आया है, अपॉन ADT ऑफ दैट मंथ, अपॉन ADT ऑफ दैट मंथ। सिंपल, ये हो गया मेरा मंथली एक्सपेंशन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है। एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक को, पूरे साल के ट्रैफिक को आप उस मंथ के ट्रैफिक से डिवाइड करो। सिंपल सी बात, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पूरे साल के ट्रैफिक को आप सिर्फ उस मंथ के ट्रैफिक से डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गई वहीं पे। ठीक है, एवरेज लेके ऑब्वियसली मंथ है तो मंथ वाला एवरेज ले लो, और ईयर वाला है तो ईयर का एवरेज लेके चलो। उधर 365 डिवाइड करना, यहाँ पे 30 डिवाइड करना। ठीक है, और वो जाएगा मेरा मंथली। ऐसे डेली की बात करूँ तो डेली एक्सपेंशन में देखो सीधी बात है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एवरेज टोटल वॉल्यूम फॉर अ वीक। जैसे यहाँ पे तुमने एवरेज दिया ईयर का और मंथ के एवरेज डिवाइड किया है नीचे, तो ऊपर जो तुम लोगे यार, ऊपर में तुमको कोई बड़ी यूनिट लेनी है। यहाँ पे तुमने मंथ लिया तो ऊपर तुम ईयर ही लोगे, ऊपर ईयर ही लोगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ डेली एक्सपेंशन फैक्टर की, तो यहाँ तुम डे से बड़ा बताओ क्या होता है, डे के सबसे बड़ा क्या यूनिट है। देखो डे के ऊपर आता है वीक, वीक के ऊपर आता है मंथ, मंथ के ऊपर आता है ईयर। सर समझ में आ गया सर, अब तो समझ गए। तो डेली एक्सपेंशन फैक्टर का मतलब क्या है, आप एवरेज टोटल वॉल्यूम फॉर वीक निकालो, पूरे वीक में कितने गाड़ियां हैं, और उसको सीधी बात है, उसको आप सीधी बात यह है कि आप उसको उस वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए जो एक दिन की बात कर रहे हैं, जिस दिन की आप बात कर रहे हैं उसके एवरेज वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए, एवरेज वॉल्यूम ऑफ दैट डे, ऑफ दैट डे। ठीक है, ये आपका हो जाता है डेली एक्सपेंशन फैक्टर। और लास्ट और आवरली होता है, तो उसमें क्या करना है तुमको, टोटल वॉल्यूम फॉर 24 आवर पीरियड अपॉन वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर आवर। ठीक है, ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है, फॉर्मूले में लिख दूंगा, एटलीस्ट आपको याद आ जाए सब। ठीक है, वॉल्यूम फॉर पर्टिकुलर आवर। ठीक है, गेट में एक आधा क्वेश्चन आए हुए इससे। ठीक,
अब हम लोग आते हैं अगली स्टडी पे। हमारी पहली स्टडी हो गई है, पहली स्टडी खत्म हो गई है, जिसका नाम था ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, जिसका नाम था ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। अब दूसरी स्टडी हम लोग शुरू करेंगे स्पीड स्टडी। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी हो गई है वन नंबर वाली, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पे हो गई है। अब हम लोग शुरू करना है सर स्पीड स्टडी। काफी सारी स्टडीज हैं, 7-8 तरह की स्टडी होती हैं, हम लोग यहाँ पे मेन मेन वाली कवर करेंगे, ठीक है सर। दूसरी स्टडी क्या है बेटा? दूसरी स्टडी जो आपकी है यहाँ पे, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्पीड स्टडी। क्या बोल रहे हैं? स्पीड स्टडी बोल रहे हैं सर, स्पीड स्टडी। अब स्पीड तुम्हारी जो होती है ना गाड़ियों की यार, वो समय के साथ वेरी करती है और अलग अलग जगह अलग अलग होती है। जैसे नेशनल हाईवे ज्यादा होगी, स्टेट हाईवे कम होगी, अलग अलग जगह स्पीड अलग अलग हिसाब से चलती है अपने, ठीक है। स्पीड स्टडी से आपका जो है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्पीड स्टडी हो गया। अब सुनो आगे जरा, स्पीड स्टडी आपकी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। एक होता है आपका स्पॉट स्पीड और एक आता है आपका स्पीड एंड डिले स्टडी। एक आता है आपका स्पॉट स्पीड, इसमें दो प्रकार की स्टडी हम लोग करनी है। एक करनी है स्पॉट स्पीड स्टडी, ठीक है, एक हमारी है स्पॉट स्पीड स्टडी। कमेंट यहाँ पे बड़े शानदार टाइप के आ रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। एक अभी आंसर करता हूँ मैं आपके कमेंट का, स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडीज, ये दो हम लोग को पढ़नी है। तो अभी समय समाप्त हो गया, हम लोग कल जो है यहाँ से स्पॉट स्पीड स्टडी को शुरू करेंगे, ठीक है। कल स्पॉट स्पीड के बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर ओरिजिन डेस्टिनेशन स्पीड स्टडी करेंगे, काफी सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, धीमे धीमे चीजों को आगे समझते चलेंगे, ठीक। चलिए अब जरा मैं डाउट लेता हूँ कि आप यहाँ पूछ रहे हैं सर अनअकैडमी फ्री कोर्स से गेट क्लियर कर सकते हैं। देखिए आपके इरादों के ऊपर है, ठीक है, बाकी आपके इरादों के ऊपर है। लेकिन जो बच्चे, देखिए बहुत बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, काफी सारी चीजें जो आपको पता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए उनके पास एक्स तो रहती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम है फाइनेंशियली तो आप यूट्यूब से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर आपके पास है अफोर्ड कर सकते हो, सस्ता ही बहुत है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अफोर्ड कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग मिलते हैं, हम कल हम लोग मिलेंगे, कल फ्राइडे है, फ्राइडे को हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया सा, ठीक है। और सैटरडे संडे को मैं क्वेश्चन कराऊंगा स्पेशल क्लास में, ठीक है। तो स्पेशल क्लास में आप लोग तैयार रहिए, ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आप मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब यहाँ पे बढ़िया से होगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए। अफोर्ड कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब से पढ़िए। एंड दिस इज इट फॉर टुडे, हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में बेहतरीन ढंग से एकदम, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।